हेलो दोस्तों, मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने जीमेल में अपना मोबाइल नंबर जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना होता है। जैसे आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं, आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। तो आपको आकर यहाँ पर इस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना होता है, जैसे कि यहाँ पर शो कर रहा है। इस पर आकर आपको क्लिक कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर आपका ईमेल शो करेगा। अगर मान लीजिए कि आपको पास 2-3 ईमेल है, आप जिस ईमेल में अपना मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं उस ईमेल को यहाँ से आपको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना होता है। जैसे कि हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सेकेंड वाले को। इसके बाद यहाँ पे यस आई एम इन में क्लिक कर देना होता है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर आपका ईमेल का फर्स्ट लेटर यहाँ पे शो करेगा। अगर आपका पहले से ईमेल इसमें डाला होगा तो आप जैसे ही क्रोम खोलते हैं, आप कुछ ऐसे ही आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस पे आकर आपको क्लिक कर लेना होता है और इसके बाद दोस्तों फिर से इस पे आकर आपको ईमेल पर क्लिक कर लेना होता है। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैनेज योर गूगल अकाउंट शो कर रहे थे, इस पे आकर आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे आप क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर आकर पर्सनल इन्फो पे क्लिक कर लेना होता है, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोन का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से लोडिंग लेता है और आपका ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पर एड नाउ पे आकर क्लिक कर लेना होता है। एड नाउ पे जैसे क्लिक करते हैं, आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना होता है, जैसे कि हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर अपना लॉक डालना होता है, लॉक का पासवर्ड डालना होता है। तो हम यहाँ पर अपना लॉक का पासवर्ड डाल देते हैं और इसके बाद दोस्तों फिर से हमें इस पे आकर एड नाउ पे क्लिक कर देना होता है। इसके बाद हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे और इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट जैसे करते हैं, यहाँ पे हमें फिर से गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना होता है। जैसे हम गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, हमारा जो मोबाइल नंबर डालते हैं उस पर एक ओटीपी जाता है। तो हमें सिंपली यहाँ पर अपना ओटीपी डाल देना होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, हम इसे क्लिक करके यहाँ पे डाल देते हैं ऊपर से देखकर। और इसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पे वेरीफाई का क्लिक कर देना होता है। दोस्तों, ये हमारा जी नहीं लेगा, यहाँ पे सिर्फ हमें कोड ही डालना है। यहाँ पे हमें रॉन्ग दिखा रहा है, तो फिर से हम यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये हमारा मोबाइल नंबर सिंपली ऐड हो चुका है। जैसे हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही और यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।